वृंदावन में घूमते घूमते पम्मी थक गई। तो वृंदावन में मंदिर के दर्शन हो गए, लगभग 10 बज चुके हैं। अब हम कुछ खाएंगे और उसके बाद सुबह सुबह आ गए थे, तो ये अच्छा हुआ कि ज़्यादा भीड़ नहीं मिला और हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। हम निकल जाएंगे घर के लिए। अब अरे ली हमारा के ना ली तहरे बंदर वाले जाए अरे आओ गेट खोल शॉपिंग भी हो गया। अब हम थोड़ा मार्केट में घूम लेते हैं, कुछ काम भी है, कुछ खरीदेंगे। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है, और मैं आपको बता दूं कि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में मंदिर है, जिधर आप देखेंगे उधर ही मंदिर हैं, पुराने मंदिर, काफ़ी नए मंदिर, हर थोड़ी दूर पे आपको एक मंदिर मिल जाएगा। और ये भी बता दूँ कि वृंदावन और मथुरा की दूरी जो है सिर्फ 15 किलोमीटर की है, और मथुरा रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी देश के किसी भी कोने से मथुरा आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं, और वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, ये प्रेम मंदिर है, ये जो आप देख रहे हैं ये कृपालु जी महाराज का प्रेम मंदिर है, और प्रेम मंदिर आज के समय में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी लोग दूर दूर से जो आते हैं वो प्रेम मंदिर एक बार ज़रूर देखने जाते हैं, और प्रेम मंदिर को अगर आप रात में देखेंगे तो रात को इसकी लाइटिंग जो बदलते रहता है हर थोड़ी देर पे कलर्स, वो अत्यंत ही मनमोहक और सुंदर होता है। और वृंदावन में जिधर आप जाएंगे वहाँ हर तरफ आपको राधे राधे, जय श्री राधे लोग बोलते हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वृंदावन अपने आप में एक अलग ही पर्यटन का केंद्र बन चुका है। कृष्ण की ये नगरी है और राधे कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो यहाँ हम जब भी आएंगे तो एक अलग ही माहौल यहाँ मिलता है। और ये छटीकरा पे ये मंदिर है वैष्णो देवी माता का, काफ़ी दूर से ही बहुत बड़ा दुर्गा माता का ये मंदिर है जो कि देखने में भव्य, और ये भी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। जैसे हम एंट्री करते हैं दिल्ली से जब हम आते हैं तो छटीकरा से अगर एंट्री करते हैं तो एंट्री गेट के पास में ही ये वैष्णो माता का मंदिर है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में माता विराजी हुई है। कुछ खा लिया जाए, चलो भैया यहाँ हीरा स्वीट्स में कुछ खा लिया जाए। चलो भाई लड्डू क्या खाएगा, चलो वहाँ बैठो गाड़ी लॉक करके। उधर से हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन पम्मी का आज सोमवारी व्रत है तो उनको खाना है दही मलाई जो भी दूध का सामान है खोवा वगैरह, तो उसके लिए फिर से एक बार मैं बाजार की तरफ निकल गया हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो मशहूर मंदिर हैं बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर, राधा बल्लभ जी का मंदिर, ये बड़े प्राचीन मंदिर हैं, और ये नए मंदिर हैं, ये प्रेम मंदिर नया बना है। इसके अतिरिक्त यहाँ राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, गोकुलेश, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अक्षय पात्र, वैष्णो देवी मंदिर, निधिवन, रामबाग मंदिर, अनगिनत मंदिर है जहाँ की आप आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और वृंदावन जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ का माहौल आपको पूरा हर तरह भक्तिमय मिलेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको वृंदावन पहुँचने के लिए बताऊँ कि दिल्ली से मुख्य सड़क जो आगरा की तरफ जा रही है, और दिल्ली से अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो मथुरा उतरना पड़ेगा। पम्मी अभी चले गए हैं पेड़ा खरीदने, और वृंदावन के पेड़े तो पूरे विश्व भर में मशहूर हैं, और वृंदावन गए और पेड़ा नहीं खरीदे तो जाना बेकार है। तो आप बाई रोड दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर, हाईवे इतना अच्छा है, यमुना एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं, NH2 से भी जा सकते हैं,
और मैं जब भी जाता हूँ दिल्ली पहुँचने मुझे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। सुबह निकलिए, दिन भर दर्शन कीजिए, शाम को आप वापस दिल्ली आ सकते हैं। और यह जगह श्री कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सुर सेनाधिपति सुसेन का परिचय देते हुए किया है। इसे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में भी वृंदावन के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और वर्तमान में टटिया स्थान, निधिवन, सेवा कुंज, बिहारी जी का बगीची, लता भवन आरक्षित वनी के रूप में दर्शनीय जगह है। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहते हैं, जहां श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम और परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा शुक का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों का श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु स्वामी हरिदास, श्रीहित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इस वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यह आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण और श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीलाएं होती रहती है। और वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग है। यमुना नदी ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। किसी समय यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता और ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते थे। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और श्रावण भादों की हरियाली आंखों की शीतलता प्रदान करती है। हम अब निकल रहे हैं वृंदावन से, और जो मैंने अभी बताया आपको कि बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और हरियाली आंखों की शीतलता प्रदान करती है, तो अभी हम चलेंगे वृंदावन के पास में कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ मैं हमेशा जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ की हरियाली और ब्रज की भूमि को जब हम अपनी आंखों से नज़दीक से शांत मन से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये ब्रज की भूमि है। और यहाँ की भूमि में एक दिव्य शक्ति है कि आपको वही आकर्षित करती है। और यही हम अब यहाँ से निकल रहे हैं वृंदावन से, और थोड़ी ही देर में हम उस दिव्य भूमि पे और बहुत ही शांत जगह पे चलेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। और ये जो सड़क है ये मुख्य सड़क है वृंदावन की। तो वृंदावन सुबह ही आए थे, चारों ओर दर्शन हो गया है, 12 बज रहे हैं लगभग, थोड़ा बहुत खा पी लिए, पम्मी भी खा रही है पीछे बैठकर, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। भीड़ बहुत बढ़ गया है। सुबह सुबह जब आए थे 7 बजे तो भीड़ नहीं था कहीं वृंदावन में, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा चारों ओर भीड़ हो गया, हर तरफ हर रास्ते भर गए, और अब ट्रैफिक को भी रोका गया है। देख सकते हैं आप कि हर जगह ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ।
माही को हम यहीं छोड़ के गए थे रेस्टोरेंट में, अब ये लोग भी आ गए क्योंकि दोबारा मुझे जाना पड़ा शहर के अंदर, पम्मी को कुछ खाना था, पेड़े वगैरह लेने थे, तो अब ये लोग भी आ जाएं और उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। वृंदावन रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, मुख्य सड़क मुख्य रेल मार्ग है ये जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है, तो इसको क्रॉस करके एक गांव में जाना है और वहां पे थोड़ी देर बैठेंगे शांति से। मैं आपको बता दूं कि 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचाना था। रासस्थली बंसीवट से युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया था। कुछ वर्षों के पश्चात शांडिल्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री कृष्ण के पौत्र ब्रजभान ब्रजनाभ ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना कर लीला स्थलियों का प्रकाश किया, किंतु लगभग 4,500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियाँ पुनः लुप्त हो गई और महाप्रभु चैतन्य तथा श्री रूप सनातन आदि अपने परिकारों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं के विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूभग गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि अनेकों गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अथक परिश्रम तथा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है और वृंदावन जब आप आए तो सिर्फ वृंदावन ही नहीं, वृंदावन के आसपास गोकुल, बरसाने, गोवर्धन, अनेकों जगह है जहाँ श्री कृष्ण लीलाएं करते थे, वहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। और ये खेत खलिहान अत्यंत ही मनोरम दृश्य होता है जब आप वृंदावन के आसपास जहाँ पे श्री कृष्ण और राधे की ये जो क्षेत्र है जब आप जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाएगा। वृंदावन जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वृंदावन शहर के अंदर मंदिरों को हम देखें, आपको ज़रूर उसके आसपास के 20-25 किलोमीटर के रेडियस में आपको विजिट करना चाहिए। हर तरफ आपको श्री कृष्ण का वास मिलेगा। हम अब आ चुके हैं, इस जगह पे थोड़ा काम था। हाँ वो तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है, बाउंड्री वो सीमेंट का है तो वो जिसका है वो खुद करवाया है तो करवा के दिए मैं आपको निधिवन के बारे में बताना चाहता हूँ। निधिवन वृंदावन के बिल्कुल बीच में स्थित है और निधिवन जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी बंदर भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यदि कोई छुप कर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधिवन में बनी हुई है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की जिसके कारण वो पागल हो गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधिवन के अंदर ही है रंगमहल जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पे
राधा और कृष्ण आते हैं। रंगमहल में राधा और कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। मम्मी तो खेत में। सुबह 5 बजे जब रंगमहल का पट खुलता है, खत्म हो गया, बोले कि तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंगमहल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं, खाने वाले नहीं थे इतना जामुन। वृंदावन में घूमते घूमते पम्मी थक गई तो नीचे बैठ गई है पेड़ के नीचे। जामुन का पेड़ है ये, और इसी जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गई है। थक गई है ना, थक गई पम्मी? अच्छा लग रहा है ना बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के, अच्छा लग रहा है। आ गए हैं खेतों की तरफ। निधिवन की एक अन्य खास बात यह है कि यहाँ के निधिवन के अंदर आपको तुलसी के पेड़ मिलेंगे, और निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है, यानी कि दो पेड़ एक साथ चिपटे हुए हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सभी फिर से तुलसी के पेड़ के रूप में बदल जाती है। साथ ही एक अन्य मान्यता भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी का कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। वन तुलसी का लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए हैं वो किसी न किसी आपदा के शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें छूता तक नहीं है। वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ इसके बारे में भी अनेक मत है। वृंदा तुलसी को कहते हैं, पहले यह तुलसी का घना वन था इसलिए वृंदावन कहा जाने लगा, और वृंदावन की अष्टधात्री देवी वृंदा अर्थात राधा हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, और वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहा जाता है, जहाँ श्री राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। और पम्मी भी यहाँ पे घूम घूम के लीलाएं ही कर रही हैं, देख रही हैं, गांव का आनंद ले रही हैं। ये एक गांव के बगल में जहाँ हम घूमने आए हैं, कुछ पोस्टर बैनर भी लगे हुए हैं। ये जगह अच्छा लगा, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए, और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ब्रजभूमि की, इसका आनंद लें, और जब भी आप जाएं तो ज़रूर इन जगहों को देखें, घूमें, क्योंकि ये जो जगह है जब आप पहुंचते हैं वृंदावन तो आपके अंदर खुद ही एक बदलाव देखने को मिलेगा। वृंदावन का कण कण रसमय है, यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। वृंदावन में श्री यमुना जी के अनेक घाट हैं, और वृंदावन की गलियां बहुत ही प्रसिद्ध है, और इन गलियों को हम कुंज गलियां के नाम से भी बोलते हैं। वृंदावन अपने आप में एक बहुत ही रमणीक जगह है, और दिल्ली से वृंदावन की दूरी बिल्कुल ही पास है, ट्रेन मार्ग से ये जुड़ा हुआ है। जब भी आपको वृंदावन आना हो तो देश के किसी भी शहर से आप मथुरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं, और मथुरा उतर के ट्रेन से अगर आप स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से ऑटो से आप वृंदावन 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। दिल्ली से बस सीधी मथुरा के लिए जाती है, वृंदावन के लिए जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अब चलते हैं दिल्ली की तरफ वापस। होटल वगैरह है हो? क्या चल रहा है पीछे? इसमें का लड्डू का दही, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं।
कोल्ड ड्रिंक्स गंदा बात होता इसमें कुछ उठा नहीं, नहीं के ऊपर साथ दोनों नहीं ना थोड़ा सा।